सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और चप्पल उतार के इस घंटी को भी बजा दीजिए मगर प्यार से। तो कैसे हो दोस्तों? मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हो पता है मेरे को। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, लगभग 3 दिन भी हो गए होंगे, 4 भी दिन हो सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा जो असूस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 था, उसका नीचे का ग्लास टूट गया है दोस्तों। तो उसके लिए मैं थोड़ा इधर उधर परेशान हो रहा था। अभी उसको मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया है, और कैसे टूटा है, क्या हुआ है, पूरे कन्फर्म मैं आपको बताऊँगा। जब वो आ जाएगा वापस तो मैं उसका वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगा। मैंने वीडियो शूट कर लिया लेकिन अभी अपलोड नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं Redmi Y2 के बारे में, जो कि आज लॉन्च हो गया है। अगर मैं लेट में वीडियो डाल रहा हूँ तो डेट थोड़ा गड़बड़ा सकता है दोस्तों। तो उसका डेट मैं बताऊँ, 7 तारीख को लॉन्च हो गया है Redmi का Y2। जिसके स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूँ तो 3 GB और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट का प्राइस है 9999, और जो है 4 GB 64 GB वाला उसका प्राइस है 1299, मतलब 12999। एक है 10,000 रुपये का, एक है 13,000 रुपये का। दोनों फ़ोन अच्छे ही हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन लास्ट में सुन लेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस मोबाइल फ़ोन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों फ़ोन्स में आपको मिल जाएंगे स्नैपड्रैगन के 625, जो कि है अच्छा प्रोसेसर। एक साइड से पुराना हो गया थोड़ा, लेकिन अच्छा प्रोसेसर है, जो कि रेडमी के नोट 5 में आता है और पुराने फ़ोन्स में भी आता है, मतलब कई फ़ोन में आ गए हैं प्रोसेसर। तो दोस्तों, अच्छा प्रोसेसर रहने के लिए, लेकिन थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है। तो अच्छा प्रोसेसर देना चाहिए था, जैसे कि 636, जो कि रेडमी के नोट 5 प्रो में दिया गया है, असूस के ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में दिया गया है। और मैं बताऊं कि इसके साथ आपको मिल जाता है 3080 mAh की बैटरी, जो कि मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कम हो जाता है दोस्तों। आज के ज़माने में इतना बैटरी बैकअप देना मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं, थोड़ा कमज़ोर हो जाता है बैटरी बैकअप बनकर। इन दोनों ही वेरिएंट के साथ आपको मिल जाएगा पीछे की, मतलब रियर में आपको मिल जाएगा डुअल रियर कैमरा, मतलब आपको 12 और 5 MP का कैमरा मिलेगा। मतलब जो नीचे का कैमरा होगा 12 MP का होगा, और ऊपर का जो कैमरा होगा 5 MP का होगा, जो कि मतलब 2.0 अप्रेचर का आसपास है दोस्तों। मेरे को अप्रेचर उतना खास पता नहीं है कितना है, तो ठीक है। और AI बेस्ड कैमरा है दोस्तों, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला कैमरा है, तो अच्छा डिटेक्ट करेगा एजेस को। पोर्ट्रेट मोड लेना चाहोगे तो काफ़ी अच्छा काम करेगा, और बहुत सारे चीज़ों में ये काम अच्छा करेगा। और दोस्तों, फ्रंट में भी आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि वो भी है AI बेस्ड में, तो भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। क्योंकि रेडमी के जो फ़ोन आते थे 10,000 के अंदर, उसमें इतना अच्छा कैमरा नहीं मिलता था। फ्रंट की बात करें तो AI बेस्ड तो मिलता ही नहीं था दोस्तों, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो गई। रेडमी नोट 5 प्रो भी है एक साइड में, जो कि 20 MP का कैमरा प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका रेट है 15,000 रुपीज़, जो कि आपको 13,000 रुपये का फ़ोन लेना चाहोगे Redmi Y2 का, तो उसको हटाकर आप Redmi Note 5 Pro ले सकते हो। क्योंकि उतना खास प्राइस मेरे को नहीं लगा जो 13,000 रुपये वाले का है, और जो कि मैं बात करूँ 10,000 रुपये वाला का, तो प्राइस काफ़ी अच्छा रखा है, तबाड़ू मतलब तबाही प्राइस है दोस्तों। इसमें दोस्तों, जो Redmi का Y1 था उससे बदलाव मिले हैं, वो बदलाव है इसमें जो डिस्प्ले है वो हो गया 80:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला, जो कि पहले था 60:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला, वो बदल के हो गया थोड़ा अच्छा। तो ये डिस्प्ले में चेंज हुआ है, कैमरा में चेंजेस हुआ है, और फ्रंट कैमरा तो चेंज नहीं हुआ लेकिन रियर कैमरा चेंज हुआ है दोस्तों। तो कैमरा में अगर आप कैमरा के मुताबिक लेना चाहेंगे फ़ोन, तो इसको ले सकते हो, नहीं तो Redmi का Note 5 भी है, जो कि डिस्प्ले काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी इसकी, क्योंकि उसका प्रोसेसर सेम टू सेम है, लेकिन डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाता है। तो कैमरा आपको चाहिए अच्छा तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि इसमें बैटरी भी उतनी खास नहीं मिलती है दोस्तों। दोस्तों, एक और ख़ास बात इसमें मुझे लगी है, जो कि इसमें आपको मिल जाती है डेडिकेटेड स्लॉट, जैसे सिम स्लॉट आपको ट्रिपल स्लॉट वाले इसमें मिल जाएगा, मतलब सिम ट्रे मिल जाएंगे, मतलब 2 SD कार्ड के साथ, मतलब दो सिम कार्ड के साथ 1 SD कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप लेना चाहोगे 10,000 वाला फ़ोन तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि 10,000 रुपये में आप लोगे और 32 GB इंटरनल आपको इसके साथ मिलता है, तो आप मेमोरी कार्ड लगा के इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं अधिक से अधिक, मतलब तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जा रही है। तो आप लेना चाहोगे 10,000 वाला फ़ोन ले सकते हो, 13,000 के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रोसेसर भी इसका थोड़ा कम है और बैटरी भी कम मिलती है। कैमरा तो अच्छा है रहने के लिए, लेकिन डिस्प्ले भी उतना खास नहीं मिलता, क्योंकि इसका जो चिन्ह है वो भी ज़्यादा दे दिया गया है, तो थोड़े बेजल्स वाला फ़ोन लगता है। हालांकि 80:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला है, लेकिन थोड़ा बेजल लगता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ
अगर मैं बात करूँ ये फ़ोन कब से मिलेगा, तो आपको 12 जून से अमेजोन में मिलना शुरू हो जाएगा। इसका फर्स्ट सेल होगा, आप परचेस करना चाहोगे तो कर सकते हो दोस्तों। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे इसके ऊपर, तो आप देख सकते हो अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग बहुत सारे वीडियोस बने होंगे, उसको देख लीजिए दोस्तों, और सब पूरा पता चल जाएगा आपको कि कैसा है फ़ोन, कैसा नहीं है, सब पता चल जाएगा। जो कि रेडमी एस टू चाइना में लॉन्च हुआ था, उसी के रेडमी वाई टू बनाकर यहाँ इंडिया में लॉन्च किया गया है। और वैसे तो फ़ोन मिलते नहीं है, लेकिन अमेजोन में आने वाला है इसका सेल, तो शायद तक मिल जाए आप लोगों को। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, तो बस अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा दोस्तों। बगल में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा टन से लेकिन प्यार से। और इसके बाद बस इतना ही है, बस और क्या बोलूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, बोलते रहिए भारत माता की जय। बाय।